बजे। तो भाई गेस करो, हम लोग यहाँ मीटिंग से गए थे भाई शॉपिंग करने। एंड एक मिनट यार, देखो भाई ये सब में हम लोगों ने टी शर्ट लिया है चार पाँच। चला बताओ भाई। अरे भाई ये जो रोड पे बम्प है ना भाई, ये किसी दिन ले डूबेगा। From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Raised in a town like fool, who put you up on, huh? E40 Mac Dre. Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel Biharial Rider. तो भाई आ जा चुके हैं नई वीडियो के साथ। एंड अपन लोग गेस करो भाई कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो गया भाई? शायद आग में कुछ। तो भाई गेस करो, हम लोग यहाँ मीटिंग से गए थे भाई शॉपिंग करने। एंड एक मिनट यार, देखो भाई ये सब में हम लोगों ने टी शर्ट लिए चार पाँच, कॉज भाई ईद आ रही है तो हम लोगों ने शॉपिंग की नहीं थी। मतलब इधर उधर घूमने फिरने में इतना बिजी थे भाई कि मेरी शॉपिंग ही नहीं हो पाई। मैंने तो भाई ऑनलाइन मंगा लिया, बट भाई की शॉपिंग नहीं हुई, तो उसने कहा कि भाई चलो आज चलते यार शॉपिंग कर लेते हैं। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। अभी फ़िलहाल पुल देख के तुम लोगों को पता चल ही रहा होगा हम लोग कहाँ पे हैं। तो भाई यहाँ पे वैसे तो नॉर्मली ट्रैफिक रहता है, बट आज भाई ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा। क्या मतलब बोले तो भाई ट्रैफिक ही नहीं है इधर आज। एंड क्यों वैसे तो भाई अगर हम अशोक राजपथ से जाते हैं पटना मार्केट साइड से, तो उधर तो भाई इतना ट्रैफिक कि क्या ही बोले, इंसान पागल हो जाता है यार। मतलब उधर का सीन भाई, तुम लोग सब्जी बाग नेता या सुल्तानगंज का वीडियो वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो तुम लोग उन वीडियो में देख सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ लग रहा है। तो भाई इसीलिए उधर से हम लोग नहीं गए कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, फालतू में ही दिक्कत हो जाएगा। ऊपर से ट्रैफिक में भाई बाइक चलाने में मज़ा नहीं आता। तो भाई कमेंट करके बताओ तुम लोगों का ईद का शॉपिंग हुआ या नहीं हुआ। बस अपना तो शॉपिंग भाई लगभग हो गया। वैसे भी भाई हम लड़कों लोग का होता क्या, कुर्ता पजामा शर्ट और जीन्स ले देके भाई जूता बस। लड़कियों की तरह थोड़े भाई, कभी पटियाला तो कभी कुछ, तो कभी लहंगा तो कभी सरारा गरारा, इसकी माँ का मरारा। साला बताओ भाई। अरे भाई ये जो रोड पे बम्प है ना भाई, ये किसी दिन ले डूबेगा अपने को ये सारे बम्प। एंड अभी भाई इधर देखो पंकज भाई पहुंच चुके हैं, डुअल हेलमेट चेकिंग एंड बैंक। अपने हेलमेट ने हेलमेट नहीं लगा रखा है, मतलब सिंगल हेलमेट है, डुअल हेलमेट नहीं लगाया है मैंने। तो भाई चलो चलते आगे निकलते हैं यहाँ से। सोचा भाई मैंने तो ब्लॉग का मूड नहीं था, बट देखा मौसम अच्छा हो रहा है एंड चलो अपनी पब्लिक से थोड़ी बातचीत कर ली जाए। तो भाई मेरी प्रीवियस वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। एंड वीडियो में जो लड़की भाई क्या चाहते हो, लड़की फिर से आ जाए वीडियो में तो कमेंट करके बताओ मेरे भाइयों, भी लड़की आनी चाहिए या नहीं। वैसे भाई उस लड़की ने मेरा स्क्रैच लगा दिया था गार्ड में, वैसे ही तब से मेरा मन नहीं कर रहा हूँ किसी लड़की के हाथ में बाइक देने का, क्योंकि भाई बाइक लड़की से ज़्यादा प्यारी है। तो भाई बाइक से रिस्क कोई नहीं लेना मेरे को। तो फिलहाल तो अभी हम लोग इधर आ चुके हैं, इधर से ट्रैफिक का सिलसिला चालू हो चुका है। तो ये ऑटो वाले लोग से बच के, जैसा कि अभी तुमने कैमरा में देखा, साला कहीं भी कैसे भी घुस जाते हैं, बस इनको घुसने से मतलब है। तो अभी भाई बाप रे बाप, अब देखो भाई नेक्स्ट वीडियो हो सकता है डायरेक्ट ईद के दिन हम ब्लॉग शूट करें, तो तब तक के लिए ईद का इंतज़ार करो। तो ईद कब है भाई, आज तो हो गया 28 तारीख ना, आज 1 तारीख है, ईद है भाई 3 तारीख को। तो ईद हम लोग 3 तारीख को मनाएंगे, तो ईद के दिन ब्लॉग शूट करेंगे हम लोग। तो मिलेंगे तुम लोग से ईद में अपने फुल ड्रेसअप में। एंड भाई इंस्टा पे अगर मेरे को फॉलो नहीं किए हो तो भाई लोग फॉलो कर लो भाई, क्या कर रहे हो इंस्टा पे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो यार बताओ, ऐसे मोड़ा जाता है बिना इंडिकेटर दिए। हाँ तो भाई अभी राजेंद्र नगर पुल के नीचे आ चुके हैं एंड अभी सीधा तो जाएंगे यहाँ से सामने, यहाँ पे रहता है भाई चेकिंग थोड़ा।
निकालो बे, ये कार वाले लोग साले अपने तो कार में बैठे हैं, फंसा रहे हैं, ये देखो पुलिस। एंड तो भाई मैंने अपना साइलेंसर खोल के हटा दिया, जैसा कि पिछले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था, सिर्फ बॉक्स लगा हुआ है। तो तुम लोग कमेंट करके बताना आवाज़ कैसा लग रहा है। वैसे तो सारे दोस्त कह रहे कि आवाज़ बेस बढ़ गया, बाइक का बेस बहुत अच्छा लग रहा है। तो कमेंट करके बताना बेस के बारे में, इसका बेस कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर भाई डिवाइडर है, तो थोड़ा संभल के कभी भी लोग कभी सामने आ सकते हैं। तो भाई डिवाइडर पे या मोड़ पे हमेशा संभल के बाइक चलानी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस जोश में एक्सेलरेटर घुमा दिया एंड फेल दिया। भाई एक्सेलरेटर बच्चा भी घुमा सकता है, बट गाड़ी संभालना राइडर के हाथ में होता है। स्किल्स अगर तुम्हारे पास है तभी तुम बाइक संभाल सकते हो, और जो बाइक संभाल सकता है भाई उसे ही राइडर कहा जाता है, वरना भाई एक्सेलरेटर देने को तो कोई भी दे लेगा। तो अभी तो हम लोग बातें करते करते बहुत आगे तक आ चुके हैं, तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए और तुम लोगों को ज़्यादा ना पकाते हुए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा गुड बाय। वीडियो पसंद आया होगा बीट भाई लोग, तो तुम लोगों को मालूम है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना भाई लोग याद से। मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे हम एक से एक रील्स भी डालते हैं एंड सब कुछ, तो भाई ज़रूर से मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, समझे। तो मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसा कभी कभी होता रहता है। तो चलो भाई मिलेंगे तुम लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टा का, फॉलो कर लेना। तो ठीक है, मिलेंगे बाद में, ईद के दिन बाद।